और अब बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं आगे बुलेटिन की शुरुआत। यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। अदालत को सौंपी गई चार्जशीट पर कुछ ही देर में सुनवाई हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। ये आप समझिए, 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है लखीमपुर खीरी मामले में। यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत को ये सौंप दी गई है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होनी है। तो बड़ी खबर, यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है और अदालत को ये सौंप भी दी गई है। चार्जशीट पर कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार कब तक चार्जशीट दाखिल होगी। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, कोर्ट के सामने रख दिया गया है। थोड़ी देर में सुनवाई इस पूरे मामले पर शुरू होगी, जहां पर दोनों विपक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या है इन चार्जशीट में, क्या लिखी गई बातें और कितनी देर में होगी सुनवाई शुरू? देखिए, पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ये 5000 पन्ने की चार्जशीट है। ये फ्रंट में लाद करके पूरी चार्जशीट की कॉपीज को लाया गया और साथ ही पुलिस ने अपनी जो सबूत इकट्ठा किए, जो एविडेंस इकट्ठा हुए, जो रिपोर्ट्स हैं, उसको भी दाखिल किया गया। सबसे अहम बात इस पूरी चार्जशीट में कि जो हमारे पास अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि आशीष मिश्रा की मौजूदगी को साफ तौर पर बताया है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में 13 आरोपी जेल में, लेकिन एक और आरोपी बनाया गया है जो धीरेन्द्र शुक्ला है। धीरेन्द्र शुक्ला करीबी रिश्तेदार है आशीष मिश्रा के, और जो गाड़ियां जिन गाड़ियों से किसानों को रौंदा गया उसमें धीरेन्द्र शुक्ला की भी स्कॉर्पियो शामिल थी। उनके ऊपर 201 यानी साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया गया, उनको नोटिस दी जाएगी। आज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में 90 दिन की मियाद पूरी हो चुकी थी, लिहाजा आज पुलिस ने कोर्ट में, लखीमपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। थोड़ी देर में कोर्ट इस पूरे मामले को, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, कॉग्निजेंस लेगी, उसका संज्ञान लेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। यानी हिंसा को लेकर पुलिस ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सुनवाई कोर्ट में शुरू होगी। अजय मिश्रा टेनी का बेटा मुख्य आरोपी है। इस चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, कोर्ट में फिलहाल 5000 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी शुरू होगी। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, देखिए चार्जशीट 5000 पन्नों की, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, बहुत सारी बातें इस चार्जशीट में लिखी गई। प्रमुख बातें अगर पॉइंटर्स के तौर पर बतानी हो तो क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि पुलिस ने आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं और जो दावा करते रहे कि वो दंगल स्थल पर मौजूद थे, तिकुनिया में दंगल करवा रहे थे, वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें जो हमारे पास जानकारी सूत्रों के से मिल पा रही है कि उसमें आशीष मिश्रा की घटना स्थल यानी कि जहां पर ये किसान रौंदे गए, जहां पर ये उनकी थार जीप से किसानों को रौंदा गया, कुचला गया, वहां पर ये मौजूद थे, यानी कि घटना स्थल पर मौजूदगी को पुलिस ने मान लिया है। उनको आशीष मिश्रा को 302 के साथ साथ 120 भी यानी साजिश रचने का और 302 हत्या करने का सीधे आरोपी बनाया है। और उसके अलावा जो 13 आरोपी थे उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। सबसे अहम बात कि अभी तक जो आशीष मिश्रा थे उनके जो दावे किए जा रहे थे वो तमाम दावे कर रहे थे कि हम कुश्ती करा रहे थे, हमें पता ही नहीं है, लेकिन पुलिस की एविडेंस में सबसे अहम जो चीज जानकारी निकल के आई वो था आशीष मिश्रा का कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और उसके साथ जो इंटरनेट का जो उनके पास आईपी एड्रेस निकाला गया उसके आधार पर बहुत बारीकी से जांच की गई पुलिस ने इस मामले में। इंटरनेट की कॉलिंग, जो डेटा कॉलिंग थी उसके हिसाब से पुलिस ने इस मामले में आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया है, आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे थे कि एक घंटे का वक्त, जब 3 अक्टूबर को ये हिंसा हुई उस वक्त 2:30 से 3:30 बजे के वक्त में आशीष मिश्रा कहाँ थे, दंगल स्थल पर भी मौजूद नहीं थे, कहीं सीसीटीवी नहीं दे पाए और उसके बाद जो घटना स्थल के बारे में कहते रहे कि हम मौजूद नहीं थे, तो वो एक जो एक घंटे का वक्त था वही आशीष मिश्रा के लिए जो साबित नहीं कर पाए कि कहां पर थे। और उसी में पुलिस ने जब एविडेंस इकट्ठा किया और साबित हुआ कि पुलिस को जो सबूत मिले उसके आधार पर आशीष मिश्रा उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, दंगल स्थल पर नहीं थे, वो उस घटना स्थल पर मौजूद थे जहां पर किसानों को रौंदा गया। जी बिल्कुल। और देखिए कानून, अगर
कानून के जानकार इसको बताते हैं कि 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो अभियुक्त को जमानत भी मिल सकती है। आप ये मानिए कि 6 जनवरी को 90 दिन पूरा होने वाला था और उससे पहले ये 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई।